अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल हॉट एंड टेस्टी। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी वो बहुत ही डिफरेंट है और इसका नाम है चिकन अल्फ्रेडो। चलें हम स्टार्ट करते हैं। मैंने चिकन लिए बोनलेस, 1 पीस लिया है इसका। अब हम इसको मैरिनेट करेंगे कुछ स्पाइसेस के साथ और कुछ सॉसेस के साथ। मैंने सिरका लिया है 1 टेबल स्पून, जिंजर अदरक का पेस्ट लिया मैंने 1 टेबल स्पून, चिल्ली सॉस मैंने लिया है या आप हॉट सॉस भी ले सकते हैं 1 टेबल स्पून, सोया सॉस लिया है मैंने 2 टेबल स्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें लिए मैंने 1 टीस्पून, पिसी काली मिर्चें लिए मैंने 1 टीस्पून, नमक लिया मैंने हसबे ज़ायका। इन सबको आप अच्छी तरह से मिक्स कर लें और 30 मिनट्स के लिए फ्रिज में रख दें मैरिनेट करने के लिए। ये देखिए, हमने अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लिया है। अब हमारे जो है 30 मिनट्स हो गए हैं। अब हम इसको फ्राई करेंगे लो मीडियम फ्लेम पे। ऑयल मैंने लिया है 2 टेबल स्पून। आप चाहें तो इसे ग्रिल पैन में भी कर सकते हैं। ये देखिए, हमारी चिकन फ्राई हो गई है। अब हम इसको एक प्लेटर में निकाल लेते हैं। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप है अल्फ्रेडो सॉस बनाना। सबसे पहले हम ऐड करेंगे बटर 1 टेबल स्पून। लो मीडियम फ्लेम पे हम इसको मेल्ट कर लें बटर को। अब हम इसमें ऑयल ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून और इसको अच्छी तरह से आप मेल्ट कर लें बटर को। फिर हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। बड़ा ही क्रीमी वाइट सॉस बनता है ये। मैदा हम ऐड करेंगे और जब तक हम कंटिन्यूसली इसमें स्पैचुला अपना चलाएंगे ताकि इसकी रॉ जो स्मेल है वो ख़त्म हो जाए और एक बहुत अच्छा सा अरोमा आने लगे इसके अंदर। ये देखें, गोल्डनिश कलर में हमारा चेंज हो रहा है ये। बबल्स आ रहे हैं। बहुत अच्छी तरह इसकी रॉ स्मेल ख़त्म हो जाए और अब बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। अब हम इस पॉइंट पे ऐड करेंगे मिल्क 1 कप। आप चाहें तो कोकोनट मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। अब हम इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम क्रीम ऐड करेंगे 1 कप। बहुत ही रिच इसका टेक्सचर होता है क्योंकि हम क्रीम मिल्क सब इसमें ऐड कर रहे हैं। बहुत ही क्रीमी वाइट सॉस बन जाएगा ये। गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे 1 टीस्पून। अब हम इसमें ऐड करेंगे पिसी काली मिर्चें 1 टेबल स्पून, नमक हसबे ज़ायका, ये देखिए हमारा कंसिस्टेंसी थिक हो गई है। अब हम इसमें चीज़ ऐड करेंगे। मैंने लिया है मोज़ेला 1/2 कप, चेडर चीज़ 1 कप। इससे बहुत ही रिचनेस आ जाएगी इस सॉस में। अब हमने स्प्रिंग ऑनियन लिया है 1 टीस्पून। ये फ्राई है हमारा, आप चाहें तो इसे स्टीम भी कर सकते हैं इन वेजीज़ को। मीडियम साइज़ मैंने 2 मीडियम साइज़ ग्रीन चिल्लीज लिए हैं। ये कैप्सिकम जाएगी जूलियन कटिंग में 1 कप। रोस्टेड भी कर सकते हैं और स्टीम भी कर सकते हैं। स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन पार्ट जाएगा 1/2 कप।
कैरेट्स जाएंगी हाफ कप, ये भी फ्राई हुई हुई है हमारी। कैबेज जाएगी 1 कप। देखिए हमारा मिक्सचर कितना थिक हो गया है। अब हम वाटर ऐड करेंगे 2 टेबल स्पून, ताकि हमें डिज़ायर्ड कंसिस्टेंसी मिल जाए। अब ये हमारा थोड़ी सी देर हम कुक करेंगे। ये मैंने नूडल्स बॉईल कर लिए हैं एज़ पर इंस्ट्रक्शंस जो पैकेट में लिखी हुई होती हैं। अब हम इसमें नूडल्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो कोई भी शेप का पास्ता भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें हमारा क्रीमी वाइट सॉस पास्ता अल्फ्रेडो के लिए रेडी हो गया ये हमारा। अब हम इसके ऊपर कुछ स्प्रिंकल कर दें आप 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स। डिश आउट कर लेंगे हम इसको। देखें कितना ज़बरदस्त, बहुत अच्छी कैलोरीज इसमें होती हैं मौजूद, क्योंकि क्रीम भी है, चीज़ भी है, वेजिटेबल्स भी हैं। ये हमने डिश आउट कर लिया। अब हम कुछ स्प्रिंकल करेंगे स्प्रिंग ऑनियन। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आए तो इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलूंगी मैं एक नई और ज़बरदस्त रेसिपी के साथ। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज़।